गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे उस सर्जन तंत्र के बारे में जिसमें हमने खूब पढ़ा है। सबसे पहले हमने उत्सर्जन की परिभाषा पढ़ी है, उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, उत्सर्जी अंग क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर हमने प्राणियों का वर्गीकरण पढ़ा है। उनके बाद में हमने किडनी के बारे में पढ़ा है, किडनी की ओते की संरचना पढ़ी है, और उनके बाद हमने नेफ्रोन के बारे में पढ़ा था। तो आगे हम बात करें नेफ्रोन के बारे में, और नेफ्रोन का मुख्य काम होता है यूरिन का निर्माण करना या मूत्र का निर्माण करना। ठीक है, तो नेफ्रोन के बारे में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। पहले तो हमने नेफ्रोन की संरचना पढ़ी है, नेफ्रोन के प्रकार हमने पढ़े। तो नेफ्रोन के प्रकार में हमने दो प्रकार पढ़े थे, एक तो वल्कुटीय नेफ्रोन और दूसरा हमने पढ़ा था जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रोन। जो वल्कुट भाग में नेफ्रोन का वह भाग जो वल्कुट भाग में स्थित है उसको हमने वल्कुटीय नेफ्रोन का है, और जो मेडुला भाग में या मध्यांश में उसको हमने जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रोन का है। उनके बाद में हमने नेफ्रोन के बारे में यह भी पढ़ा कि नेफ्रोन किडनी की क्या होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, और नेफ्रोन की संख्या एक किडनी में 10 से 12 लाख होती है। इनके बाद में हमने पढ़ा है नेफ्रोन के पांच भाग हमने पढ़े। पांच भाग कौन कौन से, ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, हेंडेका लूप, डीसीटी एंड संग्रहित नलिका। ये पांच भाग हमने पढ़े थे। अब हम बात करें यूरिन फॉर्मेशन मैकेनिज्म या मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, या किडनी में या नेफ्रोन में मूत्र का या यूरिन का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में बात करें। तो अपना आज का टॉपिक रहेगा मूत्र निर्माण की क्रियाविधि या मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, मैंने पीछे भी आपको बताया था कि यूरिन फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म वो तीन स्टेप में संपन्न होती है। एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक आता है, कुछ नामक वैज्ञानिक ने इस प्रोसेस के बारे में सर्वप्रथम बताया था। ठीक है, तो उसने यूरिन निर्माण की जो क्रिया है या क्रियाविधि है उसको तीन भागों में या तीन चरणों में इसको एक्सप्लेन किया। तो तीन चरण कौन कौन से हैं, पहला तो चरण आता है प्राण स्पंदन अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा आता है चयनात्मक पुनःशोषण, और तीसरा आता है स्त्रावण। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राण स्पंदन। प्राण स्पंदन को आप शाब्दिक अर्थ क्या होता है, छलने की जो क्रियाविधि होती है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, छलने की जो क्रियाविधि होती है वो होता है प्राण स्पंदन। तो यहाँ पे छलने की जो क्रियाविधि है वो कहां पे संपन्न होती है, बोमेन कैप्सूल में, बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। तो प्राण स्पंदन की जो क्रिया में कौन सा नेफ्रोन का कौन सा भाग पार्टिसिपेट या भाग लेता है, एक तो लेगा ग्लोमेरुलस, दूसरा लेगा बोमेन कैप्सूल। ये दोनों भाग मिलकर के ब्लड को छानने का कार्य करते हैं या ब्लड का प्राण स्पंदन करते हैं। ठीक है, अब ये बात आती है कि ब्लड छलता कैसे, ठीक है ना, ब्लड छलता कैसे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने पीछे पढ़ा कि इसमें दो प्रकार की वेसल्स या वाहिकाएं होती है, धमनिकाएं होती है, एक होती है अभिवाही धमनिका और दूसरी कौन सी होती है अपवाही। तो ये धमनिका कौन सी है, अभिवाही, और ये कौन सी है अपवाही। ये दो प्रकार की धमनी है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों धमनियों की अगर हम बात करें तो अभिवाही धमनी का व्यास ज्यादा होता है, इनका व्यास क्या होता है ज्यादा होता है, और इनका व्यास क्या होता है कम होता है। किसका व्यास ज्यादा होता है, अभिवाही धमनी का व्यास अपवाही धमनी के व्यास की तुलना में ज्यादा होता है। तो अभिवाही धमनी का व्यास ज्यादा होता है, इनका व्यास क्या होगा कम होगा। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, आने वाला ब्लड ज्यादा होगा क्योंकि इसका व्यास चौड़ी ज्यादा होती है, अभिवाही धमनी चौड़ी ज्यादा होती है, उनका व्यास ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ब्लड ज्यादा आ रहा है कम बाहर निकल रहा है क्योंकि इसका व्यास क्या है कम है। ये पतली नली है, ये पतली धमनी है, और ये क्या है मोटी धमनी होती है। तो आने वाला ब्लड क्या होगा ज्यादा होगा, किसके बजाय जाने वाले ब्लड के बजाय। ठीक है, यहाँ पे ब्लड ज्यादा आएगा किसमें, ग्लोमेरुलस में, और ब्लड बाहर कम निकलेगा। तो यहाँ पे ब्लड क्या हो रहा है स्टोरेज हो रहा है, यहाँ पे ब्लड क्या हो रहा है संग्रहित हो रहा है, कहां पे ग्लोमेरुलस में। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार ब्लड आएगा, तो बार बार ब्लड आएगा तो यहाँ पे ब्लड जो पहले से ही संग्रहित है उस ब्लड पे क्या लगाता है, दाब लगाता है, जिसको बोलते हैं GHP। पहला दाब कौन सा है, GHP, GHP, GHP की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये GHP की फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे GHP क्या है, एक दाब का नाम है, एक प्रेशर है। ठीक है, ये प्रेशर कब उत्पन्न होता है, किसके वजह से उत्पन्न होता है, आने वाले ब्लड की वजह से, आने वाला ब्लड ज्यादा आ रहा है कब बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे जो ब्लड पहले से ही संग्रहित है उस ब्लड पे क्या लग रहा है, एक दाब लग रहा है, यानी यहाँ पे जो ब्लड बार बार आ रहा है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक दाब लगा रहा है।
ठीक है ना, गोमेन कैप्सूल की वाल पर, और इस पर जो ये गोमेन कैप्सूल की जी ये वाल हो गई, और ये क्या है स्टोरेज ब्लड है। तो यहाँ पे बार बार आने वाला ब्लड क्या कर रहा है, इस पे एक दाब लगाता है, और उसी दाब को हम क्या बोलते हैं जीएचपी। जब हम जीएचपी के वैल्यू की अगर हम बात करें कि जीएचपी का मान कितना होता है या इस दाब का मान कितना होता है, वो होता है एक स्वस्थ मनुष्य में 70 mmHg। कितना होता है 70 mmHg, किसका वैल्यू है जीएचपी। समझिए जीएचपी के बारे में आपको क्या बताना है, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और इसका मान होता है 70 mmHg। और यह उत्पन्न कैसे होता है इसके बारे में आपको क्या लिखना है कि अभिवाही धमनी का व्यास अपवाही धमनी की तुलना में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आने वाला ब्लड क्या है, ज्यादा ब्लड आता है और कम बाहर निकलता है। तो आने वाला जो ब्लड है वो पहले से ही संग्रहित है ब्लड पर, वह गोमेन कैप्सूल की वाल पे एक दाब लगाता है, उसी दाब को हम क्या बोलते हैं जीएचबी बोलते हैं, जिसका मान 70 mmHg। अब संग्रहित यहाँ पे हम ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड के जो कंपोनेंट होते हैं तत्व या संगठन होता है, तो ब्लड का संगठन हम पढ़ते हैं ना कि ब्लड में आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है, प्लाज्मा होती है ना, और अदर मटेरियल होता है जैसे कि ग्लूकोज है, बहुत सारे आयन्स होते हैं, एमिनो एसिड्स होती हैं, अगर एल्कोहल लिया तो एल्कोहल है, अगर हमने ड्रग्स लिए तो ड्रग्स होती है, ये सारा एक किसमें ब्लड में। तो यहाँ पे जो ब्लड का जमा, यहाँ पे जो ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण की वजह से यहाँ पे जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है, ये यहाँ पे इसका गोमेन कैप्सूल की बात यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका जमाव हो जाता है। तो सबसे पहले ये जो दाब लग रहा है, बार बार ब्लड आ रहा है, वो ब्लड क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या लगा रहा है कि दाब लगाता है, इस पर आरबीसी जो यहाँ पे जो पहले से इनका जमाव हुआ है, तो यहाँ पे दाब लगाएगा, तब ये यहाँ पे जो कार्पासुल्स है उसको बोलते हैं कार्पासुल्स, कार्पासुल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं कणिकाएं। तो ये कार्पासुल्स है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं कार्पासुल्स या कणिकाएं बोलते हैं। तो ये कार्पासुल्स क्या कर रही है, आने वाले ब्लड की विपरीत अपना एक प्रेशर लगाती है, एक दाब लगाती है, जो भी ये दाब आने वाला ब्लड जो ही यहाँ पे दाब लगाएगा, तब ये जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है ना वो वापिस एक दाब लगाती है, वापिस क्या लगाती है, दाब लगाती है, उस दाब को हम क्या बोलते हैं सीएचपी, सीएचपी। और सीएचपी का मान आता है 20 mmHg, 20 mmHg, ठीक है। अब बात करते हैं गोमेन कैप्सूल की वाल के बारे में। अब ये दाब, ये आने वाला दाब क्या कर रहा है, इस गोमेन कैप्सूल की वाल पर भी क्या लगा रहा है, एक दाब लगाता है, उस दाब को हम बोलते हैं बीकोप। सीएचपी की फुल फॉर्म क्या होती है, कार्पासुल्स हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और बीकॉप की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, गोमेन कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। बीकॉप, और बीकॉप का मान आता है 30 mmHg। ये तीन दाब के बारे में आपको याद रखना है, पहला दाब जीएचपी, दूसरा सीएचपी, और तीसरा बीकॉप। जीएचपी कैसे उत्पन्न हो रहा है, एपीवाई धमनी का व्यास ज्यादा होता है, एपीवाई का कम होता है, इस वजह से आने वाला जो ब्लड है वो ज्यादा ग्लोमेरुलस में ज्यादा ब्लड आता है और बाहर कम निकलता है, इस वजह से ग्लोमेरुलस में क्या है ब्लड का स्टोरेज या संग्रहण हो जाता है। तो बार बार आने वाला जो ब्लड है वो क्या कर रहा है, पहले से ही संग्रहित ब्लड पे क्या लगाता है, एक दाब लगाता है, उसी दाब को हम क्या बोलते हैं जीएचपी, और जिसका मान 70 mmHg होता है, ठीक है। उनके बाद भी सीएचपी के बारे में पढ़ा है कि जो पहले से संग्रहित जो ब्लड है और उसके अंदर जो कार्पासुल्स या कणिकाएं होती है वो उनके पेंते पे उनका जमाव हो जाता है, और जो जीएचपी प्रेशर लग रहा है उनके विरुद्ध अपना एक प्रेशर लगाती है या दाब लगाती है, उस दाब को हम क्या बोलते हैं सीएचपी बोलते हैं। और सीएचपी की मान क्या होती है 30 mmHg। अब हम बात करें बीकॉप के बारे में, तो बीकॉप जो गोमेन कैप्सूल की जो वाल है वो भी क्या कर रही है, जीएचपी की विरुद्ध अपना एक प्रेशर एक दाब लगाती है, उस दाब को हम क्या बोलते हैं बीकॉप, और उसका मान कितना आता है 30 mmHg, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक एनजीएफ के बारे में। एनजीएफ क्या होती है, एन का होता है नेट, एनईटी नेट, कुल टोटल, जी का अर्थ होता है ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलर, और एफ का होता है फिल्ट्रेट, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे कुल छंदित पदार्थ,
है ना, कुल छनित पदार्थ, तो उसका इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी एच पी माइनस बेक ऑफ प्लस, ये सब फॉर्मूला है ठीक है ना, एम जी एफ बराबर जी एच पी माइनस बेक ऑफ प्लस सी एच पी। तो यहां पे हमने माइनस क्यों किया है, क्योंकि बेक ऑफ एंड सी एच पी जो प्रेशर है वो जी एच पी के विरुद्ध लगता है ना, विरुद्ध लग जाना जीएचपी तो कहां पे लग रहा है, कार्पस और सेम बॉबिन कैप्सूल की वॉल पे लग रहा है, सीएच सीएचपी जीएचपी के विरुद्ध लग रहा है, और देखो भी क्या लग रहा है जीएचपी के विरुद्ध लग रहा है। तो जीएचपी में से अगर हम बीको प्लस सीएचपी को अगर हम घटा दें तो क्या हो जाएगा, कुल कुल दाब रह जाएगा। तो यहाँ पे जीएचपी की वैल्यू कितनी है 17 nmg, बीको कितना है 30 और सीएचपी कितना है 20। तो यहाँ पे एनजीएफ का मान आ जाएगा, एनजीएफ बराबर होता है 20 mmHg, 20 mmHg, और इसी प्रेशर या इसी दाब की वजह से ब्लड छनता है, या इसी दाब की वजह से ब्लड में जो पदार्थ होते हैं एमिनो एसिड है, ग्लूकोज है, पानी है, इसके अलावा एल्कोहल है, ड्रग्स है, ये सारे छनकर के कहां पे आ जाते हैं, पीसीटी वाले पार्ट में, ये छनेंगे और कहां पे आ जाएंगे, इस पीसीटी वाले पार्ट में आ जाएंगे ठीक है ना। तो इसको हम इस मैकेनिज्म को हम जैसे कि हम जलेबी बनाते हैं, एक कपड़ा लेते हैं उसमें हम पेस्ट डालते हैं ना, बेसन का पेस्ट हम डालते हैं, ऊपर से हम दाब लगाते हैं तो नीचे से क्या है छनकर के पदार्थ बाहर निकलता है। तो सेम टू सेम आप उसको वैसे समझते हैं, ऊपर से क्या लग रहा है ब्लड के द्वारा दाब लग रहा है, और दाब की वजह से जो ब्लड में जो पदार्थ होते हैं वो पदार्थ यूरिया वगैरह ये पदार्थ है वो छनकर के कहां पे आ जाते हैं, पीसीटी में आ जाते हैं, संयुक्त कुंडलित नलिका में आ जाते हैं। अब इस पदार्थ को क्या बोलेंगे, छनित पदार्थ। ये पदार्थ क्या कहलाएगा, छनित पदार्थ कहलाएगा ठीक है। अब ये तो हो गया प्राणी स्पंदन, प्राणी स्पंदन के बारे में आपको इतना याद रखना, मोस्टली आपको तीन दाब के बारे में आपको बता दें ठीक है ना, प्राणी स्पंदन तीन दाब कौन कौन से, जीएचपी बीकॉक एंड सीएचपी, ये उत्पन्न कैसे होती है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कैसे उत्पन्न हो रही है वो। जीएचपी तो जो व्यास की वजह से ज्यादा ब्लड आ रहा है, कम बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से जो दाब लग रहा है उस दाब को वो जीएचपी बोल रहे हैं। बीकॉक क्या होता है, वोमेन कैप्सूल की जो भित्ति होती है उसके द्वारा जीएचपी के जो दाब होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बीकॉक बोलते हैं। और सीएचपी क्या होती है, कार्पस उसके द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है जीएचपी के विरुद्ध उसको हम क्या बोलते हैं, सीएचपी बोलते हैं, जिसके मान ये लिखा नहीं यहाँ पे ठीक है। तो जो टोटल दाब की अगर हम बात करें 20 mmHg, ये 20 mmHg कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे जो ब्लड है उस ब्लड पे लग रहा है, ज्यादा दाब लग रहा है इस ब्लड पे, जिसकी वजह से इस ब्लड में जितने भी सारे चाहे वो ग्लूकोज हो, एमिनो एसिड हो, यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, एल्कोहल हो, ड्रग्स वगैरह हो, ये छनकर के कहां पे आ जाते हैं, पीसीटी वाले पार्ट में आ जाते हैं ठीक है ना। तो ये तो होगा प्राणी स्पंदन। अब हम बात करते हैं चयनात्मक पुनः अवशोषण। अब हम बात करते हैं चयनात्मक पुनः अवशोषण, प्राणी स्पंदन हो गया, अब हम बात करते हैं चयनात्मक पुनः अवशोषण। अब चयनात्मक पुनः अवशोषण की जब हम बात करते हैं, देखो यहां पे जो छनित जो पदार्थ है ब्लड में से सारे जो पदार्थ वो छन करके कहां पे आ गए, पीसीटी वाले पार्ट में आ गए। अब इस छनित पदार्थ में भी क्या होते हैं, बहुत सारे आवश्यक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, पानी भी आवश्यक होता है, इसके अलावा जो आयन है सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, कार्बोहाइड्रेट आयन है, ये भी हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं है ना, एमिनो एसिड भी हमारी बॉडी में आवश्यक होते हैं। तो ये ब्लड में तो ये छन गए, कहां पे आ गए, पीसीटी में आ गए। अब इनका क्या होता है, वापिस पुनः अवशोषण होता है ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुनः अवशोषण, इसमें छनित पदार्थ सॉरी पीसीटी वाले पार्ट में, तो पीसीटी वाले पार्ट में छनित पदार्थ में से क्या होता है, उनका पुनः अवशोषण होता है ठीक है। तो पीसीटी वाले पार्ट में आपको क्या है, पीसीटी वाले अगर छनित पदार्थ में H2O आ रहा है, अगर इस पदार्थ में क्या होता है H2O सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड कार्बोहाइड्रेट आयन एंड जो अदर जो आयन है वो, और एमिनो एसिड्स या एमिनो अम्ल है ना, तो ये छनित पदार्थ में से ये पदार्थ है, तो यहाँ पे पीसीटी वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, पुनः अवशोषण हो जाएगा, टोटल 100% नहीं होगा, कितना 65% के समथिंग छनित पदार्थ में से पदार्थ निकल करके कहां पे आ जाते, वापस ब्लड में आ जाते। देखो नेफ्रॉन की अगर हम बात करते हैं, नेफ्रॉन के साथ साथ में क्या होती है, ब्लड वेसल्स भी होती है, तो ये छनित पदार्थ में से ग्लूकोज वगैरह ये छनकर के कहां पे आ जाएंगे, वापस ब्लड में आ जाएंगे
ठीक है, इनका क्या हो रहा है, वापस से पुनर्वसन हो रहा है। तो आपको पुनर्वसन को आपको अलग अलग नेफ्रॉन के अलग अलग भाग में आपको बताना है। पीसीटी में पुनर्वसन, नहने का जो लूप है उसमें आरोही भुजा में और आरोही भुजा में, डीसीटी वाले पार्ट में एंड सीटी वाले पार्ट में किन 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 पदार्थों का पुनर्वसन होता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो एल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है हमें इसके यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे छंद, ये छंदित पदार्थ है छंद के, ये यहाँ पे प्रोसेस कौन सी हो रही है, प्राण स्पंदन प्रोसेस हो रही है, और प्राण स्पंदन की प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे क्या है, छंदित पदार्थ है। ठीक है, अब छंदित पदार्थ में से जो ग्लूकोज वगैरह है, सोडियम आयन है, अमीनो एसिड है, वो छंद करके वापस यहाँ पे आ जाती है, ब्लड में आ जाती है। सारे पदार्थ या टोटल छंदित पदार्थ का 65% बाद वो छंद करके या अवशोषित होकर यहाँ पे आ रहा है, वापिस ब्लड में आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हैंडे के लूप की, हैंडे के लूप की आरोही भुजा के बारे में। तो हैंडे के लूप की जो आरोही भुजा है वो सिर्फ किसके लिए पारगम्य होती है, जल के लिए पारगम्य होती है। अब एक छनित पदार्थ क्या हो रहा है, देखो इसमें एक वेव उत्पन्न होती है, तरंग उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से छनित पदार्थ आगे की ओर क्या करता है, मूव करता है या आगे की ओर जाता है। तो ये छनित पदार्थ जो ही इस भुजा में आएगा, ये छनित पदार्थ जो ही इस भुजा में आएगा, कौन सी, आरोही भुजा में, तो इस छनित पदार्थ में से जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा या इसका पुनर्वसन हो जाएगा वाटर का। ठीक है, तो आपको हैंडे के लूप की जो आरोही भुजा है वो सिर्फ किसके लिए पारगम्य होती है, वाटर के लिए पारगम्य होती है। इसके विपरीत जो आरोही भुजा है वो किसके लिए पारगम्य होती है, आयनों के लिए पारगम्य होती है। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, आरोही भुजा वाटर के लिए पारगम्य होती है, जबकि आरोही भुजा आयनों के लिए पारगम्य होती है। ठीक है, तो इस भुजा में जो H2O बाहर निकल रहा है, ये देखा मैंने, H2O बाहर निकल रहा है, और इस भुजा से क्या है, जो जो आयन्स वगैरह है वो बाहर निकल रहा है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम है ना, ये सारे चीजें बाहर निकल रहे हैं। अब जो ही ये छनित पदार्थ डीसीटी वाले पार्ट में आते हैं, तो डीसीटी वाले पार्ट में छनित पदार्थ में से आयन व वाटर दोनों का अवशोषण होता है। ठीक है ना, यहाँ पे H2O व पोटेशियम आयन दोनों का क्या होता है, अवशोषण होता है। उसमें उनके बाद में छनित पदार्थ कहाँ पे जाता है, संग्रहित नलिका में जाता है। अब संग्रहित नलिका में क्या होता है, थोड़ी सी मात्रा में यूरिया व वाटर का पुनर्वसन होता है। इसमें यहाँ पे यूरिया व वाटर H2O का क्या होता है, पुनर्वसन होता है। ठीक है, तो ये आपको पुनर्वसन के बारे में बताना कि नेफ्रॉन की किस भाग के द्वारा किसका पुनर्वसन होता है, किस किस का अवशोषण होता है। पीसीटी वाले पार्ट में 65, एक बार फिर से बता रहा हूं, पीसीटी वाले पार्ट में 65% तक एमिनो एसिड, ग्लूकोज, ड्रग्स, सॉरी ये H2O व आयंस का क्या होता है, पुनर्वसन होता है। ठीक है, नेफ्रॉन का दूसरा भाग लेते हैं हैंडे के लूप की आरोही भुजा। तो इसमें आपको क्या बताना है, हैंडे के लूप की आरोही भुजा क्या होती है, जल के लिए पारगम्य व आयनों के लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है, जिसकी वजह से इस भुजा में क्या होता है, जल के अणुओं का ही पुनर्वसन होता है। ठीक है, हैंडे के लूप की आरोही भुजा के बारे में आपको क्या बताना है, हैंडे के लूप की आरोही भुजा क्या होती है, आयनों के लिए पारगम्य व जल के लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है। इस वजह से इस भुजा में क्या होता है, आयनों का क्या होता है, अवशोषण होता है। डीसीटी वाले पार्ट में आपको क्या बताना है कि इस भाग के द्वारा जल व आयन, पोटेशियम आयन, इनका क्या होता है, पुनर्वसन होता है। और यहाँ पे डीसीटी पे एक हार्मोन भी काम करता है, वैसोप्रेसिन एल्डोस्टेरोन हार्मोन, जिसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये हार्मोन कब सीक्रेट, इस हार्मोन का स्त्रावण कब होता है, जब हमें प्यास लगी हुई होती है या हमारी बॉडी में वाटर की क्वांटिटी या मात्रा कम होती है, उस कंडीशन में हमारे ब्रेन के द्वारा इस हार्मोन का सीक्रेशन होता है या स्त्रावण होता है, और ये हार्मोन यहाँ पे आकर के वाटर के पुनर्वसन को बढ़ाएगा। ठीक है ना, उनके बाद में सीडी के बारे में या संग्रहित नलिका के बारे में आपको बताना है कि संग्रहित नलिका में कुछ मात्रा में यूरिया व आयन क्या होते हैं, पुनर्वसित होते हैं। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे किसका निर्माण हो जाएगा, यूरिन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई पुनर्वसन। ठीक है, एक होता है स्त्रावण, एक क्या होता है, स्त्रावण होता है। अब स्त्रावण की जब हम बात करते हैं, देखो कुछ ब्लड में कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं, ब्लड में कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो छनते नहीं है। ठीक है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या प्राण स्पंदन की प्रोसेस के द्वारा वो छनते नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या है, इनका क्या होता है, स्त्रावण होता है। संग्रहित नलिका जो यहाँ पे जो कैविटी बनेगी, उस कैविटी या भुवा में इनका क्या होता है, स्त्रावण होता है, डायरेक्टली स्त्रावण हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक आती है मैकेनिज्म, वसा रेक्टा मैकेनिज्म। आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में समझना है, वसा रेक्टा मैकेनिज्म।
या वासा रेक्टा क्रिया विधि, ठीक है, यह भी इनके साथ साथ ही चलती है। तो यहाँ पे देखो ये छनित पदार्थ है, छनित पदार्थ में जल भी है यहाँ पे, ठीक है ना। जो जो ये छनित पदार्थ अवरोही गुजा में आएगा, जो ये छनित पदार्थ अवरोही गुजा में आएगा, तब इस छनित पदार्थ में से वाटर बाहर निकल रहा है, वाटर सिर्फ ओनली वाटर बाहर निकल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे आयनों की सांद्रता क्या है, बढ़ जाती है। तो आयनों की सांद्रता जब बढ़ेगी तब इसकी जो ऑस्मोलरिटी है वो भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे छनित पदार्थ यहाँ पे आ रहा है, तो जितनी मात्रा में आयन है उतनी मात्रा में क्या है, पानी है, ठीक है। जो ही ये छनित पदार्थ नीचे की तरफ जाएगा तब छनित पदार्थ पदार्थ में से क्या है, वाटर बाहर निकल रहा है, और वाटर बाहर निकलेगी तब आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, वाटर बाहर निकलेगा तब क्या है, आयनों की सांद्रता बढ़ेगी। तो यहाँ पे जब आयनों की सांद्रता बढ़ेगी कितनी बढ़ रही है, पहले 300 हो रही है, फिर 600 हो रही है, फिर 900 हो रही है, फिर ये 1200 हो रही है, ठीक है ना। और इसका जो पैमाना है वो क्या है, ऑस्मोल, ठीक है ना। तो यहाँ पे सांद्रता जो जो बढ़ेगी तब इसकी सांद्रता की जो विद्युत वो दे रखी है, 300 होगी, फिर 600 होगी, फिर 900 होगी, फिर 1000 होगी। अब जो ही ये छनित पदार्थ किसमें आएगा, अवरोही गुजा में आएगा, सॉरी अवरोही गुजा में आएगा। जो ही ये छनित पदार्थ कहां पे आ रहा है, देखो यहाँ पे ये छनित पदार्थ कहां पे आएगा, इस अवरोही गुजा में आएगा, तब क्या हो रहा है, आयनों का पुनः शोषण हो रहा है। तो पहले तो यहाँ पे जो वाटर का हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनों का पुनः शोषण हो रहा है, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पे आयनों की सांद्रता घटेगी। तो यहाँ पे आयनों की सांद्रता घटेगी तब क्या है, यहाँ पे हम 1200 हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे के विपरीत होता है। इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों आपको साथ में ही बतानी है, वासा रेक्टा मैकेनिज्म आपको क्या बताना है, आयनों की सांद्रता पर आपको करनी है कि जो भी छनित पदार्थ अवरोही गुजा में आता है तब जल का क्या होता है, बार बार पुनः शोषण होता है, जिसकी वजह से इनकी ऑस्मोलरिटी बढ़ती है, ठीक है ना। जो ही यह छनित पदार्थ अवरोही गुजा में प्रवेश करता है, जो ही यह छनित पदार्थ अवरोही गुजा में प्रवेश करता है, तो छनित पदार्थ में आयनों का पुनः शोषण होता है, जिसकी वजह से आयनों की सांद्रता घटती जाती है। यहाँ पे आयनों की सांद्रता क्या रही है, घट रही है। तो ये मैकेनिज्म क्या कहलाती है, ये क्रिया विधि क्या कहलाती है, वासा रेक्टा मैकेनिज्म कहलाती है, ठीक है। ये होगा यूनिट फॉर्मेशन या मूत्र निर्माण की क्रिया विधि। पहला होगा तरल स्पंदन, दूसरा चयनात्मक पुनः शोषण, और तीसरा विस्तरण। एक बार फिर से बताता हूं मैं, प्राण स्पंदन में आपको तीन दांत के बारे में आपको बताना है, जीएचपी, पीकॉप एंड सीएचपी के बारे में। जीएचपी क्या होता है, जीएचपी उत्पन्न क्यों होता है, जीएचपी की फुल फॉर्म क्या है, ये आपको याद रखना है। जीएचपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये किस वजह से उत्पन्न होता है, क्योंकि अगुवाई धमनी का व्यास ज्यादा होता है, किसकी वजह से, अपवाई धमनी का जो व्यास वो ज्यादा होता है, अपवाई धमनी का कम होता है, जिसके वजह से आने वाला ब्लड ज्यादा होता है इसके बजाय जाने वाले ब्लड के बजाय। तो यहाँ पे ब्लड का क्या हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है, बार बार आने वाला ब्लड क्या कर रहा है, पहले से स्टोरेज जो ब्लड है उसमें क्या लगा रहा है, एक दाब लगाता है, उस दाब को हम बोलते हैं जीएचपी, जिसका मान आता है 70 mm Hg। दूसरा था सीएचपी, सीएचपी फुल फॉर्म क्या होती है, कार्पासुल्स हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और कार्पासुल्स यानी कणिकाओं की वजह से यहाँ पे ब्लड में जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनका जमाव हो रहा है, और इसके द्वारा भी क्या लगा रहा है, जीएचपी की एक प्रेशर या दाब लगता है, उस दाब का हम क्या बोलते हैं, सीएचपी बोलते हैं। तीसरा आता है बीको प्रेशर, तो बीको प्रेशर क्या होता है, वोमेन कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और बीको प्रेशर वोमेन कैप्सूल की वाल के द्वारा लगाया जाता है, किसके विरुद्ध, जीएचपी के विरुद्ध। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर की अगर हम बात करें तो उसका मान कितना आता है, 20 mm Hg, और इसी प्रेशर या इसी दाब की वजह से ब्लड छनता है, ठीक है। दूसरा क्या आती है, चयनात्मक पुनः शोषण। चयनात्मक पुनः शोषण में आपको क्या बताना है कि जो ही प्राण स्पंदन की प्रक्रिया के द्वारा जो ही पदार्थ छना हुआ है, और जो ही ये पदार्थ है या छनित पदार्थ किसमें प्रवेश करता है, पीसीटी वाले पार्ट में प्रवेश करता है। तो पीसीटी वाले पार्ट में क्या हो रहा है, टोटल छनित पदार्थ में से 65 जो छनित पदार्थ है वो पुनः अवशोषित होकर कहां पे आ जाता है, ब्लड में आ जाता है। तो यहाँ पे ये किस किस के लिए पारगम्य होती है, पीसीटी सभी के लिए पारगम्य होती है, किसको छोड़कर के, यूरिया को छोड़कर के। पीसीटी वाली जो पार्ट है ये यूरिया को छोड़कर के सभी के लिए क्या होती है, पारगम्य होती है, ठीक है। तो यहाँ पे छनित पदार्थ में से ग्लूकोज है, वाटर है, विटामिन है, ये साल्ट है, आयरन है, ये सारे छनकर के कहां पे आ जाते हैं, ब्लड में आ जाते हैं। अब
जिस खनिज पदार्थ किसमें प्रवेश करता है? हेनले के लोग की अवरोही भुजा। अवरोही भुजा की जब हम बात करते हैं तो अवरोही भुजा पारगम्य किसके लिए होती है? जल के लिए पारगम्य होती है, और अपारगम्य किसके लिए होती है? आयनों के लिए अपारगम्य होती है। यहाँ पे जल के अणु क्या निकलेंगे? बाहर निकलेंगे। ठीक है, जब हम इसकी बात करें आरोही भुजा की, अगर हम बात करें तो आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य व जल के लिए अपारगम्य व आयनों के लिए क्या होती है? पारगम्य होती है, जिसकी वजह से खनिज पदार्थ में से आयन छनकर के कहां पे आ जाते हैं? ब्लड में आ जाते हैं। डीसीटी वाले पार्ट में आपको क्या बताना है, या दुरस्त कुंडल की नलिका में आपको क्या बताना है कि ये डीसीटी वाला पार्ट जल व आयनों के लिए क्या होती है? दोनों के लिए क्या होती है? पारगम्य होती है। सीडी वाले पार्ट में पुनः अवशोषण के बारे में आपको क्या बताना है कि यह थोड़ी सी मात्रा में यूरिया व वाटर के लिए क्या होती है? पारगम्य होती है। तो ये आपको पुनः अवशोषण हो गया नेफ्रॉन के अलग अलग भागों में। ठीक है, उनके बाद में हम बात करे थे वासा रेक्टा मैकेनिज्म के बारे में बात किए, है ना। तो वासा रेक्टा मैकेनिज्म क्या है, आपको इसकी सांद्रता, आयनों की सांद्रता कहाँ घट रही है, कहाँ बढ़ रही है, वो पता होनी चाहिए। क्योंकि अवरोही भुजा में क्या हो रहा है, अवरोही भुजा में तो क्या है, इनकी सांद्रता बढ़ रही है लगातार, जबकि अवरोही भुजा में क्या है, घट रही है ना। तो यहाँ पे अवरोही भुजा की अगर हम बात करें तो जल के लिए पारगम्य, जल के अणु बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से आयनों की सांद्रता बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है वो भी इसकी वैल्यू या मान भी दे रखा है, ये पहले 300 थी। यहाँ पे पीसीटी वाले पार्ट में जो भी पीसीटी वाले पार्ट से जो भी खनिज पदार्थ अवरोही भुजा में प्रवेश करते हैं तब आयनों की सांद्रता कितनी थी? 300 ओस्मोल। उनके बाद में धीरे धीरे जो वाटर खनिज पदार्थ में से जो भी वाटर बाहर निकलेगा तो इसकी सांद्रता लगातार बढ़ती रहेगी, है ना। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे खनिज पदार्थ यहाँ पे आएगा तब इसकी सांद्रता कितनी होती है? 1200 ओस्मोल होती है। अब जो भी ये खनिज पदार्थ अवरोही भुजा में प्रवेश करता है तब ये आयनों के लिए पारगम्य, तो खनिज पदार्थ में से आयन बाहर निकल रहे तो सांद्रता फिर से क्या है? घटेगी। तो ये प्रोसेस या मैकेनिज्म या क्रिया विधि क्या कहलाती है? वासा रेक्टा मैकेनिज्म कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गई यूरिन फॉर्मेशन मैकेनिज्म। अब इसमें एक ही टॉपिक शेष रहा है, डिसऑर्डर या डिजीज, उत्सर्जन तंत्र में होने वाले डिसऑर्डर या होने वाले रोग। तो इसके 6-7 रोग है, वो आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कौन कौन से रोग इसमें उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।